श्रीफल न्यूज परिवार का अनुभव जन्य कदम। कथा सागर, जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास। कथा सागर में आज की कहानी है पढ़ना और गुन्ना। एक बार किसी गुरु के दो शिष्य जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर उन्हें हाथी के पैर दिखाई दिए। पहले शिष्य ने कहा, ये पैर हथनी के है और वो कानी है। दूसरे के ये पूछने पर कि उसे कैसे जाना, तो पहले शिष्य ने कहा, उसका मूत्र देखकर पता चला कि वो हथनी है और उसने एक ओर के झाड़ खाए हैं, यानी वो कानी है। आगे उन्हें एक बुढ़िया मिली। पानी का घड़ा सर पर ले जा रही उस बुढ़िया का बेटा परदेश गया हुआ था। उसने दोनों से पूछा कि उसका बेटा कब आएगा। इसी समय उसका घड़ा फूट गया। दूसरा शिष्य बोला कि तुम्हारा पुत्र मर गया है। इस पर पहले ने कहा कि नहीं, उसका बेटा सुरक्षित है और घर पहुंच चुका है। बुढ़िया घर गई तो उसे वहां उनका बेटा मिला। उसने पहले शिष्य को कुछ रुपए और कपड़े देकर सम्मानित किया। लकड़ी लेकर दोनों शिष्य वापस गुरु के पास पहुंचे तो दूसरा शिष्य नाराज होकर बोला, गुरुजी आप मुझे ठीक से नहीं पढ़ाते। इस पर गुरु ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुम पढ़कर गुनते नहीं और ये पढ़कर गुनता है। पहले शिष्य ने बताया कि जब उसने घड़े को फूटते देखा तो वो समझ गया कि जैसे मिट्टी का घड़ा फूटकर मिट्टी में मिल गया है, वैसे ही बुढ़िया को उसका बेटा जल्द ही मिल जाएगा। इस कहानी का नैतिक मूल्य ये है कि हमारे जीवन में केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। किताबों से मिले ज्ञान को वास्तविक जीवन में काम लेना ही सच्ची शिक्षा है। प्रस्तुति राखी जैन, संचालन श्रीफल न्यूज परिवार। कथा सागर, जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास।